नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी बनकर जिनका सपना है सचिवालय जाने का, इस बिल्डिंग में बैठकर पॉलिसी ओरिजिनेट करने का, और बाद में प्रमोशन जब आपका होगा तब तो आप डिप्टी डायरेक्टर तक बन जाएंगे। तो ये सपना कैसे साकार हो, इसको लेके बहुत सारी स्ट्रेटजी की बातें होती हैं, रणनीति की बातें होती हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत कुछ आपके प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, और इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का सपना आपका पूरा हो सकता है यूपी कमीशन के द्वारा आरओआरओ का जो पेपर होता है उसको पास करके। और उस पेपर को पास करके जब इस बिल्डिंग में आप पहुँचने का सपना देख रहे हैं, तो कोई लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए जो पढ़ाई के स्तर की है। मेहनत आप जब करेंगे तो रिज़ल्ट तो आएगा, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं आएगा अगर आप सही ट्रैक पे मेहनत नहीं करेंगे। कोई ट्रेन है जो चलती जा रही है, उसको रास्ते का पता ही नहीं है कि उसकी पटरियाँ जा कहाँ रही हैं, कहाँ उसको जाना है, तो वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचेगी। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इसमें लोगों को होता है, कई गलत सलत वीडियो इस समय तैर रहे हैं यूट्यूब पे कि आरओआरओ का जो एग्ज़ाम है उसमें इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है। एक वीडियो किसी ने मुझे शेयर किया था, तो उसमें बताया गया कि आरओ में इंटरव्यू भी होता है। तो आरओ में इंटरव्यू नहीं होता है, आरओ के एग्ज़ाम में बस दो स्तरीय परीक्षा होती है। एक आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है और एक आपका मेन एग्ज़ाम होता है, बाकी इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। जिस टीचर ने भी वो वीडियो बनाया था, अगर गलती से बनाया है तो कोई बात नहीं, उसको डिलीट कर दें, लेकिन वीडियो थोड़ा सा रिसर्च करके तब बनाना चाहिए, ऐसे नहीं। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, एक 140 क्वेश्चन का और 140 मार्क्स का जीएस का पेपर होता है, और दूसरा 60 क्वेश्चन का और 60 ही मार्क्स का आपका जो पेपर होता है वो हिंदी का पेपर होता है। हिंदी में आपके जो टॉपिक्स हैं वो 6 टॉपिक हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये पेपर जब आप पास करते हैं तो मुख्य परीक्षा आप देते हैं, और मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका ये जीएस वाला होता है जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। एक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हिंदी होता है, और ऑब्जेक्टिव हिंदी में आपसे यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। एक पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव हिंदी होता है, ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपसे 5 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये लिखने वाले सवाल होते हैं। और एक पेपर आपका हिंदी निबंध का होता है, इसके अंतर्गत आपसे 3 निबंध पूछे जाते हैं, हर एक निबंध 40 मार्क्स का होता है, और टोटल इसके जो मार्क्स होते हैं वो 120 मार्क्स का पेपर होता है। तो मेन एग्ज़ाम आपका 120 और 60 180 और 100 280 और 120 400 मार्क्स का होता है। इसी पर मेरिट बनती है, जो कट ऑफ मेंस का जाएगा वो इसी पर जाएगा, यहीं से मेरिट बनेगी। और प्रीलिम्स की मेरिट यहाँ पर बनती है, प्रीलिम्स आपका 200 मार्क्स का होता है, और 200 मार्क्स में से हिंदी और जीएस दोनों जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाती है, यहीं से आप इसको पास करते हैं। इस एग्ज़ाम के मार्क्स यहाँ पर नहीं जुड़ते हैं। ये एक बेसिक जानकारी हो, जिसको जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर लीजिए। किसी भी अनाप शनाप वीडियो के चक्कर में अपनी स्ट्रेटजी को मत बदलिएगा। वो वीडियो किसी ने मुझे शेयर किया था, बाद में उस वीडियो को हटा भी दिया गया है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाने चाहिए किसी को, ठीक है, जिससे छात्र कन्फ्यूज हो जाए। अब इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जीएस का सिलेबस सामान्य सिलेबस है, जैसे आपसे पीसीएस में पूछा जाता है, जैसे अन्य एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जीएस, ऐसा ही कुछ इसका भी सिलेबस है। क्वेश्चन का लेवल भी लगभग पीसीएस जैसा ही रहता है, कुछ सवाल फैक्चुअल होते हैं। कभी कभी ऐसी प्रवृत्ति मिली है कि इसमें जनसंख्या नगरीकरण या अदर्स टॉपिक जो हैं उनसे सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि हर साल वैसा पूछा जाए। यहाँ पर जो पेपर पास करने का तरीका है, यहाँ पर आपको जीएस में जो टारगेट रखना है, जीएस का टारगेट आप रखिए 80 का, और यहाँ का जो टारगेट रखिए 60 क्वेश्चन में, यहाँ पे 55 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। टोटल यहाँ पर जो प्रीलिम्स में आपको टारगेट रखना है वो 135 क्वेश्चंस का लेके चलिए, बाकी डिपेंड करता है पेपर पे। जीएस का पेपर अगर कठिन आ जाएगा तो
तो आप 80 की जगह पे 72, 73, 74 पे आ जाएंगे। हिंदी का पेपर लगभग ठीक ठाक आता है तो 55 रहेंगे। तो ये कम होगा, ज़्यादा होगा, वो सबके लिए होगा। अगर पेपर कठिन आएगा तो कम हो जाएगा, सरल आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टारगेट कम से कम ये लेके चलिए। मेन एग्ज़ाम में भी कम से कम आपको टारगेट 285 प्लस का रखना चाहिए, यानी कि आपको कम से कम मान के चलिए कि 72% नंबर इसमें लाने हैं कम से कम। इसके लिए भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगले किसी वीडियो में, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो किसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे इसको पढ़ना है, क्या सिलेबस है। प्रीलिम्स को लेके सबसे पहले कन्फ्यूज़न ये है, जैसे एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है, मैं 2024 आर ओ प्रीलिम्स की बात अगर करूँ तो ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर के लास्ट में है ना, दिसंबर में ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो दिसंबर में अगर ये एग्ज़ाम हो रहा है, दिसंबर 2024 में, तो सबसे पहले आप क्या करें, ये सवाल बनता है। अभी आपको देना है ये एग्ज़ाम। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पीसीएस की मेन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है, प्रीलिम्स तो वो पास कर सकते हैं लेकिन मेन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है, तो वो लोग क्या करें, वो आरओ पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम भी देना है और पीसीएस भी देना है। पीसीएस भी दें वो, लेकिन फोकस इस पर कर लें, क्योंकि इसका जो मेन एग्ज़ाम है वो आप कम समय में तैयार कर सकते हैं। 2-3 महीने का समय अगर आपका अच्छा बढ़िया से आपको मिल जाता है, अच्छा समय रहता है, आप बीमार ना हो, अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो 2-3 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 3 महीने में, तब जब आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, तब ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में एकदम से प्रैक्टिस, अगर पहले से शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, सिलेबस पढ़ा रहेगा तो आप कर लेंगे। तो वो लोग यहाँ पर फोकस हो जाए जिनका प्रीलिम्स का मेन एग्ज़ाम तैयार नहीं है, प्रीलिम्स भी वो दें पीसीएस का, लेकिन इस पे फोकस हो जाए, इसमें इस लिहाज से फोकस हो जाए कि प्रीलिम्स भी देना है, मेन भी देना है, और इसका हमको पास करके एग्ज़ाम और नौकरी ले लेनी है। तो सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले अपना टारगेट निश्चित करें। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आरओ का एग्ज़ाम जितने लोगों का निकलता है वो तभी निकला है जब उन्होंने अपना जो गोल है, गोल उसको निश्चित कर लिया, टारगेट निश्चित कर लिया, और गोल जब निश्चित कर लिया तो बिल्कुल फोकस्ड हो जाए उस पर। ज़्यादातर कन्फ्यूज़न यही होता है कि पीसीएस की भी नहीं तैयारी रहती है, आरओ की तैयारी वो कर नहीं पाते क्योंकि पीसीएस पहले है, पहले पीसीएस पढ़ते रहेंगे, फिर पीसीएस मेंस में जुट जाएंगे और आरओ नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला काम ये करें, सबसे पहले क्या करें, तो अपना गोल निश्चित करें। आपको बात अटपटी लग सकती है, आप कह सकते हैं कि ये सर क्या कह रहे हैं, हमको पीसीएस से डाइवर्ट, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर ले जाइए, क्योंकि सीटें अच्छी हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़िया हैं, तो आप उसका लाभ उठा लीजिए। और जब आपका गोल निश्चित हो गया, तब आप और अपना स्ट्रेटजी है ना, आप जिसको यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपका जो खुद का प्लान होता है वो प्लान बनाएं, खुद का प्लान जो है आप प्लान करें कि कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग प्रीलिम्स पढ़ते रहते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर फोकस हो जाते हैं, कहते हैं कि हम पहले प्रीलिम्स पढ़ लेंगे, जब मेन एग्ज़ाम आएगा तब हम मेन एग्ज़ाम की बात करेंगे, अभी हम मेन एग्ज़ाम पढ़ेंगे नहीं, मेन एग्ज़ाम को वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेंस तब पढ़ा जाएगा जब प्रीलिम्स पास हो जाएगा, अगर प्रीलिम्स पास ही नहीं होगा तो हम मेन एग्ज़ाम पढ़ के क्या करेंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। अगर आपने ये गोल निश्चित कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि आपको यही पढ़ना है, तो आप प्रीलिम्स और ये मेन दोनों साथ साथ पढ़ते चलें, क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया है इसका सिलेबस, और उस सिलेबस में बहुत एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर कॉमन चीज़ें हैं, मैं कॉमन चीज़ों को यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जो ये सिलेबस है, जो ये बॉक्स में है जीएस का, ये सिलेबस ये प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। यहाँ पर ये 180 मार्क्स का है और यहाँ पर ये 200 मार्क्स का है, तो प्रीलिम्स की पढ़ाई 180 मार्क्स यहाँ पर भी काम करने जा रही है। बाकी यहाँ पर कितना बचा, 400 में से अगर हम माइनस 220 कर दें तो 180 कर दें, यहाँ पर 400 में से अगर हम 180 आ रहा है ना, तो 180 अगर कर दें माइनस,
तो हमारा बचा 220, ये 220 मार्क्स का जो सिलेबस है ये मतलब आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा सिलेबस है, जो कि प्रिलिम्स में नहीं है, केवल मेन एग्ज़ाम में है। इतना आपको पढ़ना है मेन एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पर गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं कि पहले प्रिलिम्स पढ़ लेंगे बाद में मेन पढ़ेंगे, क्योंकि प्रिलिम्स और मेंस का काफ़ी सिलेबस कॉमन है, तो हम पढ़ के आराम से उसको जब प्रिलिम पास हो जाएगा तो पूरा कर लेंगे। कॉमन वाला तो हो ही जाएगा, बाकी बचा वाला एक्स्ट्रा वाला आपको लगता है कि हम आसानी से पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, एक्स्ट्रा सिलेबस यानी कि जो मेन का सिलेबस है, मेंस का, तो साथ साथ इसको भी पढ़ें, साथ साथ पढ़ें। कारण ये होता है कि आप जब प्रीलिम्स पास करके उसी समय इसको पढ़ते हैं तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपका जो कन्फ्यूज़न लेवल है उस समय वो बहुत ज़्यादा रहता है, उस समय आप ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा लेटर किस फार्मेट पर लिखा जाए, जो मिल जाता है उसी को फार्मेट मान के आपने लिख दिया, जो गलतियां हैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसके अभाव में रह जाती हैं, आप कभी कॉपी चेक नहीं कराते हैं तो चीज़ें जो गलत हो रही हैं वो गलत होती चली आती हैं, कभी आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ पर कमी है, आप क्योंकि उस समय सिलेबस को पूरा करके बार रटने की कोशिश करते हैं तो आपकी मान लीजिए कि वोकैब में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, वहाँ ध्यान ही नहीं जाता है आपका, आपको लगता है वोकैब याद है, बस इतना बहुत है, आसानी से बस इतना हम याद कर ले रहे हैं, लेकिन लिखने में गलत हो जा रहा है। लिखने में क्या सावधानियाँ बरतनी है, कैसे मुहावरों का आंसर लिखना है, कैसे गद्यांश को करना है हल, ऐसे लिखने में क्या क्या ध्यान रखना है, ऐसे में क्या गलतियाँ आप करते हैं जहाँ पर मार्क्स कटता है, तो ये जब बाद में आप करते हैं केवल मेन एग्ज़ाम के समय तो इतना समय आपके साथ नहीं रहता है, लेकिन अगर साथ साथ पढ़ते चलते हैं तो आपके साथ हमेशा एक स्कोप बना रहता है कि हम जो गलत होगा उसको सही कर लेंगे, और उसको सही करके हम अपनी तैयारी इस लेवल तक ले जाएंगे कि एग्जामिनेशन हाल में गलतियां हमसे नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे कोई बात मैंने ये नहीं की है कि आप पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने का तो तरीका आपको पता है कि पहले आप सिलेबस को पढ़ेंगे, है ना, जैसे एक बार पूरा सिलेबस ज़रूर पूरा करें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने डिसाइड कर लिया आर ओ का वो करना है, हमको इसी को पास करना है, तो आप एक बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ें, कंप्लीट सिलेबस, और कंप्लीट सिलेबस पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसको पढ़ने में तो 2 साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं है, इसको कंप्लीट करने में 2-3 तरीके हैं। टॉपिक्स पढ़ लें, कहाँ से, टेक्स्ट बुक से, कुछ का, कुछ को आप एमसीक्यूज से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस बुक से, या आप टेस्ट सीरीज इसको कह लीजिए, यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो करेंट अफेयर से कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे करेंट अफेयर से ट्रेडिशनल पोर्शन पे आप चले गए, है ना, तो करेंट अफेयर से जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप गूगल की मदद कर ले सकते हैं, इंटरनेट की मदद आप ले सकते हैं, इस तरीके से पूरा सिलेबस आपका हो जाता है। इस सिलेबस को कंप्लीट करने में अगर आप स्मार्ट अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो आपके लिए सिलेबस क्या होगा, मोटी मोटी किताबें, तो ये पूरा नहीं होगा। तो एक बार थॉरली पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें और उसके बाद में क्या करें, एक बार आपका ये पढ़ गया, इसमें आप क्लासेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, क्लासेस। अब क्लासेस से एक बार थॉरली आपने पढ़ लिया तो ठीक है, आपका तैयार नहीं हुआ, आप सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर हो गया कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप एमसीक्यूज पे गए, आपने करेंट अफेयर में पढ़ा, आपने टेक्स्ट बुक में उसको कहीं देखा, जो यहाँ पर सही से कर ले रहे हैं उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हर तरीके से पढ़ें। यहाँ पर कर ले रहे हैं, अगर सही से समझ में आ जा रहा है,
करने भर का हो जा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके हज़ारों MCQs देखें, दो चार सवाल लगा के देखा, सही हो गया, हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन MCQs से कर ले रहे हैं तो वो भी सही तरीका होगा। ये काम करें, एक बार जब कंप्लीट सिलेबस हो जाए तो कोर पोर्शन अपना चूज करें, और कोर पोर्शंस में कम से कम चार सब्जेक्ट आप ले लें जिनमें आपकी परफॉर्मेंस 80% प्लस होनी चाहिए, और साथ में इसमें करेंट अफेयर को जोड़ें, यहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी 90% प्लस होनी चाहिए। इसको लेके GS आप कंप्लीट करें। हिंदी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हिंदी के छः टॉपिक तैयार करने हैं, सारा कुछ कंप्लीट करना है, सारा पढ़ना है, तो उसमें कोई ये नहीं है कोर कसर कि आप कौन सा टॉपिक छोड़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, ये सब कहीं कोई कसर लगानी ही नहीं है वहाँ पे। तो 55 से नीचे स्कोर आने ही नहीं देना है, लोगों ने 57-58 तक किए हैं उसमें, तो उसको तो कंप्लीट ही पढ़ना है। तो यहाँ पर अपना कोर पोर्शन आप चुन लें, कहाँ पर आपको कंफर्ट ज़्यादा फील होता है, कुछ चीज़ें आप थोड़ी पढ़ने के बाद छोड़ सकते हैं, मास्टर उसमें नहीं है लेकिन सवाल पूछा जाएगा तो कुछ का जवाब दे देंगे। एक आपके जहन में सवाल रहता है कि एक टॉपिक से सब सही करें या सभी टॉपिक से थोड़ा थोड़ा करें, तो यहाँ पर इसको दो भागों में मैं बांटना चाहूँगा। एक टॉपिक से सब सही करें, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, आप कह सकते हैं टोटल सिलेबस। टोटल सिलेबस के साथ ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यहाँ जो आपका कोर पोर्शन नहीं है वो भी शामिल है। तो एक टॉपिक से सब सही करने की बात यहाँ पर आप नहीं कर सकते, टोटल सिलेबस आपने किया है तो टोटल सिलेबस में से आपको कुछ निकालना पड़ेगा। इसको हटाइए अभी, ये टोटल सिलेबस है अगर आपका, तो टोटल सिलेबस आप सब सही नहीं कर सकते हैं, इस टोटल सिलेबस में से आपको कुछ पोर्शन निकालना पड़ेगा। और यहाँ के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि एक टॉपिक से सब सही करें ये कोर पोर्शन में आप करेंगे, जो आपने कोर पोर्शन चुना है कोर पोर्शन में आप करेंगे, तो टोटल सिलेबस में से अपना कोर पोर्शन निकालिए। और यहाँ है सभी टॉपिक से थोड़ा थोड़ा करें, तो ये ऑल टॉपिक्स पे लागू होता है, यानी कि जो आपने अपने कोर पोर्शन में नहीं रखा है फिर भी आपको उसको करना तो है ही है, तो ये ऑल टॉपिक्स में लागू होता है। तो एक टॉपिक से सब सही करें ये कोर पोर्शन जो आप चुनेंगे, और करेंट अफेयर को भी यहीं पर रखिएगा, करेंट अफेयर ये प्लस में है, प्लस करेंट अफेयर। तो आपने चार सब्जेक्ट जो चुना और करेंट अफेयर, मान लिया आपने हिस्ट्री चुन लिया, ज्योग्राफी चुन लिया, पॉलिटी चुन लिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से आप दोनों को छोड़ भी नहीं सकते हैं और हिस्ट्री को भी पूरा नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं कि एंशियंट आपको उतनी अच्छी नहीं आती है या मन नहीं लगता है, मेडाइवल उतनी अच्छी नहीं आती है तो आपने मॉडर्न पे ज़्यादा जोर दे दिया, साइंस में आपको फिजिक्स अगर नहीं आ रही है तो आपने बायोलॉजी सारा सही कर लिया, इतना तो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जो कोर पोर्शन होगा, कोर पोर्शन में आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों पढ़ेंगे। साइंस में आप कोशिश करिए, अगर आपने साइंस को कोर पोर्शन में रखा है तो तीनों पोर्शन से अगर 20 सवाल 15 सवाल 18 सवाल पूछे जाते हैं तो एक दो गलत हों बाकी सब आपके सही हो जाए, और कोशिश करिए एक भी ना गलत हो। लेकिन ये मान के नहीं चलना चाहिए कि सब सही ही हो जाएंगे, कितना भी आप प्रयास करेंगे कुछ एक सवाल आपको मिलेंगे जो आपको झेलाएंगे, कई टाइप के सवाल होते हैं। तो एक टॉपिक से सब सही करें की जो बात है वो कोर पोर्शन वाले उस पर लागू होती है। सारे सिलेबस को आप सारा कुछ नहीं सही कर सकते, और सभी टॉपिक से थोड़ा थोड़ा ये ऑल टॉपिक्स पे लागू होता है, यानी कि आपने उसको कोर पोर्शन में नहीं रखा है लेकिन आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। अगर ये स्ट्रेटजी आप लेके चलते हैं तो GS और हिंदी दोनों आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी, आप अच्छे से इसको करके और आराम से सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अब जैसे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स और मेंस ये पहला ही अनुभव है तो उनको समझ में नहीं आता है कि पढ़ना क्या है, तो आप चाहे तो हमारे बैच के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऐप है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से बैच ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको GS का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, हिंदी का कंप्लीट सिलेबस ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, हिंदी मेंस का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा,
एसे कंप्लीट इसमें पढ़ाया जा रहा है, ये लाइव बैच भी है और जो लोग लाइव नहीं देख पाते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो इसको आप पूरा ज्वाइन करके तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं हम जीएस तैयार कर चुके हैं, जीएस में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, हमको मेन एग्ज़ाम का हिंदी आलेखन और हिंदी निबंध चाहिए, अगर ये हमको मिल जाए यहाँ पे हमारा 220 नंबर का जो पोर्शन है ये अच्छे से, ये 220 मार्क्स का है, ये अच्छे से तैयार हो जाए और यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल जाएँ, लगभग 170-180 नंबर मिल जाएँ, 160 से ऊपर नंबर मिल जाएँ तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, मतलब 160 के आसपास नंबर मिल जाए, 150 से ऊपर हर हाल में चला जाए, तो वो लोग ये प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप ये नंबर दिया हुआ है इस पर या स्क्रॉल हो रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन एक अच्छी राह में, एक अच्छे गाइडेंस में। थैंक यू।